दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या। तुमसर तहसील के ग्राम येरली की घटना। एक आरोपी पुलिस हिरासत में। तुमसर तहसील के ग्राम येरली में पुराने रंजिश के चलते एक युवक की धारदार हत्या से वार कर हत्या करने की घटना बुधवार 6 अक्टूबर 2021 की रात 8:30 बजे के दौरान हुई। मृतक का नाम ग्राम येरली के अंबेडकर वार्ड निवासी दिलेश उर्फ माइकल दीपक वाघमारे उम्र 25 वर्ष बताया गया है। इस मामले में तुमसर पुलिस ने अरविंद उर्फ पिंटू इस्तारू पार्थी उम्र 23 वर्ष नामक युवक को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 सप्ताह पूर्व दिलेश उर्फ माइकल का गांव के कुछ युवाओं के बीच विवाद हुआ था। इस बीच बुधवार को रात 8:30 बजे के करीब दिलेश यह अपने दोस्त हेमंत उर्फ माख्या राहंगडाले के साथ परिसर में घूमने गया था। इस दौरान दिलेश के भाई दीक्षांत वाघमारे को हेमंत का फोन आया और कुछ समय बाद फोन बंद हो गया, जिसके बाद प्राजक भगत ने दीक्षांत को फोन कर दिलेश का अरविंद के साथ विवाद होने की जानकारी दी, जिसके चलते मौके पर पहुंचे दीक्षांत को उसके भाई के मुंह, गले व गाल पर धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही तुमसर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गंभीर घायल दिलेश को तुमसर के उपजिला अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच कर उसे मृत घोषित किया। इस घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, अतिरिक्त उपविभागीय अधिकारी संजय पाटिल ने घटनास्थल पर भेंट देकर मुआयना किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अरविंद उर्फ पिंटू इस्तारू पारधी के खिलाफ भादवी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, उपविभागीय अधिकारी संजय पाटिल, पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक अमर धंधर कर रहे हैं। 6:21 बजे सायंकाळी 6:30 सुमारास मोजा येरली येथे दिलेश दीपक वाघमारे यास अरविंद उर्फ पिंटू इस्त्रू पारधी यांनी जुन्या करण्याच्या वादावरून त्याशी झालेल्या परत जुन्या वादावरून सायंकाळी थोडा त्यांच्या वाद परत बोलतात झाली। त्याच्या रागावरून त्याचा राग मनात धरून दिलेश दीपक वाघमारे यास तलवारीनं तोंडावर गंभीर दुखापतीमध्ये जखमा करून त्यात उपचारादरम्यान तो मरण पावला। त्या दरम्यान त्याच्यावरून 302 त्यांचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास चालू आहे। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।